दोस्तों, एक डाली में दो कलर का फूल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये आप भी कर सकते हैं अपने घर पर। यदि आपके घर पर दो कलर का सदाबहार का पौधा है तो इसे दोस्तों आप भी खुशी पूर्वक कर सकते हैं। इस तरह का सुंदर घर पर गुलदस्ता टाइप का घर पे बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे जो एक कलर का फूल का पौधा है उस पर कैसे आप दूसरे कलर का पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ये ना सोचें कि ये केवल नर्सरी वाला ही कर सकता है, इसे आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे हम कैसे किए हैं बहुत ही आसानी तरीका से वो बताएंगे। इस पर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि कौन सा सामग्री का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला पड़ेगा आपका हल्दी, जो टर्मरिक है, ये हल्दी पड़ेगा। दूसरा है आपका एलोवेरा, ये जो है मात्र इतना छोटा लगेगा। तो इसे हम कर दिखाएंगे आपको, वो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हम इसे किए हैं, यहाँ से किए हैं। तो कोई नहीं, इसे हम करके दिखाएंगे आपको। और ये ऊपर से हम दिखाते हैं, ये जो डाली है, ये पिंक कलर का आपको जो डाली दिख रहा है, पिंक कलर में हम वाइट फूल का ग्रो किए हैं। तो उसी तरह आपको भी बताएंगे और भी बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं। आइए बताते हैं इसे कैसे किए हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा दो कलर का डाली, यानी कि हम पिंक ले लिए हैं और वाइट ले लिए हैं, ये जो दोनों आपको डाली दिख रहा है। और इसे हमें कटिंग भी करना है। कटिंग करेंगे तो हमारा जो डंटी है वो मजबूत होगा। और कटिंग के साथ साथ इस पर यदि हम इसे हमें ट्विनिंग करना है और इस पर करना है ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग करेंगे तो हमारा पिंक के साथ में वाइट भी फूल खिलेगा और वाइट के साथ में पिंक भी खिलेगा। तो वो कैसे करना है वो बिल्कुल आसान है। पहले तो आप इसका कटिंग कर लें, जहाँ तक करना है इसे कटिंग कर ले, इस तरह का कटिंग कर ले। यहाँ पर देखें, पहले से मेरा ग्राफ्टिंग किया हुआ है, जो हमारा पिंक में वाइट विकसित हो चुका है। इसे हम काट कर दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये ज्वाइंट हुआ है। बराबर मात्रा से काट लिए, अब रहने देंगे। अब इसे वाइट का ट्विनिंग करना है, तो वाइट का ट्विनिंग करना है वो भी बराबर मात्रा से, ताकि हमारा जब फूल बड़ा हो तो सुंदर लगे। और जो मौसम चल रहा है, ये मौसम में हमारा ट्विनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बरसात के सीजन में यदि आप ट्विनिंग करते हैं तो आपका ग्रोथ को बढ़ाता है। मार्च महीना से ट्विनिंग स्टार्ट हो जाता है और पूरा बरसात तक ये ट्विनिंग चलता है, ताकि आप ये ना सोचें कि हमारा पौधा बढ़ेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बढ़ेगा। अब इसका हमें शाखाएं चयन करना है कि इसे कैसे लेना। ये शाखाएं जो हैं, हमें जो ये टेढ़ा शाखाएं हैं, इसे कटिंग कर देना है और इसका लीव्स वगैरह आप निकाल दें। इसे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कंची है और ये कंची जा रहा है, तो हमको इतना करना है। अब इसे हमें कैसे करना है, ये पिंक में लगाना है। ये जो हमारा डाली है, ये पिंक का डाली है, और इस पत्ती की मदद से हमें छील लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोनों साइड छीलना है। इसे छील लिए हैं, जो रीसा है इसे कटिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों जैसे हड्डी जुट जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये पौधे में जाकर जुट जाता है, एकदम ज्वाइंट हो जाता है, क्योंकि हम दोनों साइड छील दे रहे हैं। अब इसे क्या करना है, इस जगह में आप लगा रहे हैं तो आप बीच वाले पे करें, ताकि जो हम बीच वाले पे करेंगे तो हमारा ये वाइट देगा और साइड साइड से हमारा पिंक आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, या आप हल्दी लगा लें या एलोवेरा लगा लें, दोनों एक चीज़ लगाएं।
तो इसे हम ताकि जड़ जो है यानी कि जो ज्वाइंट है बहुत जल्दी हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। और जो इतना लंबा दिख रहा है इसे हम कटिंग करेंगे, इतना लंबा रहने नहीं देंगे, इस तरह, बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे, इस प्रकार से इसे कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा हो गया छोटा। अब इसे बांधने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको बांधने के लिए स्टाइलिश टेप वगैरह नहीं ढूंढना है, केवल ये वाइट प्लास्टिक आपके घर में होगा बिल्कुल उसी से करना है आपको, एकदम बिल्कुल इसी से। अब देखिए बांध कर दिखाते हैं, क्योंकि अच्छा से हमें दाब कर बांधना है। बिल्कुल ऊपर तक बांधे ताकि बरसात का पानी इस पर ना जा सके। अब क्या करना है, जो ये हल्का हल्का निकला हुआ इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ज्वाइंट। अब हमें इस साइड भी करना है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये सारे एक साइड में हैं, तो अब इसमें हमें लेना है मोटा। तो दोस्तों आपने सीधा में तो देख लिया, पर ये जो तना है इसमें आप कैसे ज्वाइंट करेंगे वो बताते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको इस तरह सुला लेना है और इसमें चीरा लगाना है बीच में। इस तरह अब इसे बिल्कुल उसी तरह छील लेना है, उसी तरह ये छील लेना है, इधर छील लिए, अब इधर छील लेना है। अब इसे क्या करना है, कटिंग करना है और इसमें हमें डाल देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें आप हल्दी देखें, टर्मरिक देखें, अब इसमें हम अलविरा लगा लेंगे। आपके घर में जो चीज़ भी है इस तरह का आप कर इसमें डाल दें। अब इसे भी आपको बांधना है बिल्कुल आसानी से इस प्लास्टिक के मदद से। इसे अभी हम कटिंग कर दिए हैं तो देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, पर ये जब ज्वाइंट हो जाएगा, जब खिलेगा, इसमें फूल आने लगेगा, तो बिल्कुल जिस तरह का आपको ज्वाइंट दिखाए हैं बिल्कुल इसी तरह आपको लगेगा। अभी हम कटिंग किए हैं और इसे ज्वाइंट किए हैं तो ये वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और ये अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जब कुछ अच्छाई के लिए आप करते हैं तो पहले तो बेकार होना पड़ता है, तो उसी तरह ये भी पहले था और अब बहुत सुंदर हो गया है। और इसके साथ साथ क्या करना है, इस चीज़ को आपके घर में है तो इस चीज़ को हटाना है, ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें जो बीज है इसे हटाना है, नहीं तो ये फूल फिर छोटा छोटा देने लगेगा, इसे हटाना है। यदि बीज का ज़रूरत है तो रखें, कुछ दो चार पौधा में रखें, नहीं तो हटा दें इसे। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहनों में। तो धन्यवाद दोस्तों।